देश में 24 घंटे के दौरान 3,32,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। सबसे बड़ा आंकड़ा पूरी दुनिया का है ये। किसी भी देश में एक दिन में संक्रमण के इतने ज्यादा मामले अभी तक सामने नहीं आए, ये एक नया रिकॉर्ड, भारत ने एक नया कीर्तिमान रचा है। इन नए मामलों के साथ में देश में अब तक कोरोना से 1,62,57,164 लोग संक्रमित हो चुके हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि 1,36,41,572 लोग ठीक भी हो चुके हैं। फिलहाल देश में कोरोना के 24,21,000 से ज्यादा सक्रिय मामले हैं, जो कि समस्या को, परेशानी को बयां कर रहे हैं, स्थितियों को दिखा रहे हैं। गुरुवार रात मिली जानकारी के मुताबिक 24 घंटे में देश में 3,32,175 कोरोना के नए मरीज मिले। इस दौरान 2,255 और लोगों की मौतें हुई हैं और ये संख्या बढ़कर 1,86,927 पहुंच गई है। टोटल फिलहाल देश में 24,21,970 सक्रिय मरीज हैं। नए मामलों में लगातार 43वें दिन बढ़ोतरी जारी है। मृत्यु दर 1.16% है। कोरोना से 24 घंटे के दौरान जिन 2,104 लोगों की जान गई है, उसमें से सर्वाधिक 568 लोग सिर्फ महाराष्ट्र से हैं। दिल्ली में 249, छत्तीसगढ़ में 193, उत्तर प्रदेश में 187, गुजरात में 125, कर्नाटक से 116 लोगों की जान गई है। देश में अब तक कुल 1,84,657 मौतें हुई हैं, जिसमें से महाराष्ट्र में 61,911, कर्नाटक में 13,762, तमिलनाडु में 13,258, दिल्ली में 12,887, बंगाल में 10,710 और उत्तर प्रदेश में 10,346 मौतें हुई हैं, जबकि पंजाब से 8,114 और आंध्र प्रदेश से 7,510 लोगों ने कोविड के चक्कर में अपनी जान गंवाई है। दिल्ली में कोरोना ने अपने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। देश की राजधानी में बीते 24 घंटे में 306 लोगों की जान चली गई। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना के कारण होने वाली मौतों का कुल आंकड़ा 13,193 तक पहुंच गया है। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 26,169 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही दिल्ली में कुल कोरोना मामलों का आंकड़ा 9,56,348 पहुंच गया है। इतना ही नहीं, राजधानी दिल्ली में संक्रमण दर भी अब तक के उच्चतम स्तर पर है। दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर 36.24% है। इसके साथ ही दिल्ली में सक्रिय मरीजों की संख्या पहली बार 91,000 के पार है। दिल्ली में फिलहाल 91,618 एक्टिव केसेस हैं। दिल्ली में वर्तमान में 46,585 कोरोना के मरीज होम आइसोलेशन में है। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि राजधानी दिल्ली के अस्पतालों में खत्म होते ऑक्सीजन के कारण स्थिति अनिश्चित खराब हो चुकी है। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखापल्ली की पीठ ने कहा है कि हम जानते हैं कि यह देश भगवान द्वारा चलाया जा रहा है। उक्त टिप्पणी करते हुए पीठ ने केंद्र सरकार को निर्देशित किया कि सुनिश्चित करें कि दिल्ली को आवंटित ऑक्सीजन बगैर किसी गतिरोध के अस्पतालों तक पहुंचे। पीठ ने कहा कि हम सभी केंद्र सरकार द्वारा जारी ऑक्सीजन आवंटन के आदेश का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए और अगर आदेश का अनुपालन नहीं हुआ तो आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली को आवंटित किए गए ऑक्सीजन के आदेश को हरियाणा जैसे राज्यों में स्थानीय अधिकारियों द्वारा अनुपालन नहीं किया जा रहा और ये मामला तत्काल हल होना चाहिए। पीठ ने इसके साथ ही केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले संस्था को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए और उन्हें पर्याप्त एक निश्चित मार्ग मुहैया कराया जाए। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, वैसे वैसे कोरोना संक्रमण की रफ्तार भी तेज हो रही है। सरकार बचाव और इलाज के संसाधन जुटाने में लगी है और इसी तेजी से मरीज भी बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 2.5 लाख के पार हो चुकी है। संक्रमण को कुल अगर संख्या देखें तो उसके हिसाब से काबू कर पाना काफी कठिन हो रहा है, लेकिन अभी तक खास असर इसका नजर होता हुआ नहीं आया है। जो तैयारियां सरकार की तरफ से की गई हैं उसके मद्देनजर बेड और ऑक्सीजन की किल्लत लगातार जारी है। स्थिति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यूपी में कुल सक्रिय मरीज 2,59,810 तक पहुंच गए हैं। बीते 24 घंटे में 34,379 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 195 रोगियों की मौत हुई है।
अब तक एक दिन में हुई मृत्यु का यह सर्वाधिक आंकड़ा है। उत्तर प्रदेश में हर रोज रिकॉर्ड स्तर पर देखा जा रहा है कि संक्रमित पाए जा रहे हैं। लखनऊ में गुरुवार को 5,239 नए सक्रिय मरीज मिले, इसके साथ ही 19 लोगों ने दम तोड़ा। यहां तक एक्टिव केसेस अभी भी 54,997 हैं। लखनऊ के बाद प्रयागराज में 2,013 संक्रमित मिले हैं, यहां पर मौत का आंकड़ा काफी तेजी से बढ़ा है। प्रयागराज में 18 लोगों की मौत हुई है। वाराणसी में 1,813 संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि 10 लोगों का निधन हुआ है। कानपुर में 18 लोगों की मौत हुई है। बीते 24 घंटे में यहां पर 1,516 सक्रिय मरीज मिले हैं। मेरठ में 1,684, गोरखपुर में 1,136 व गाजियाबाद में 1,023 नए संक्रमित मिले हैं। गौतम बुद्ध नगर में 24 घंटे में 11 लोगों की मौत हुई है, जबकि यहां पर नए संक्रमित मरीज 530 हैं। इसके अलावा मुरादाबाद में 870, बरेली में 865, झांसी में 823, मिर्ज़ापुर में 777, चंदौली में 713, गाजीपुर में 657, जौनपुर में 598 और सुल्तानपुर में 24 घंटे के अंदर 569 नए संक्रमित पाए गए हैं। जय त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से, हमारे सहयोगी। जय, लखनऊ के हालात अगर देखें तो लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं, व्यवस्थाओं के मद्देनजर जमीनी स्तर पर ग्राउंड जीरो पर क्या नजर आ रहा है? जी हिमांशु, बिल्कुल, लखनऊ की बात अगर हम करते हैं, राजधानी लखनऊ के हालात इस समय बद से बदतर नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार कोरोना संक्रमण के मरीज बढ़ रहे हैं, लेकिन उन सब बातों को देखते हुए मेडिकल संबंधी जो व्यवस्थाएं हैं वो अभी कहीं पूरी तरह से सुचारू रूप से नहीं चल पा रही, चाहे वो हम KGMU की बात करें, PGI की करें, चाहे सिविल अस्पताल की करें, चाहे सरकारी संस्थान हो या प्राइवेट संस्थान हो, सभी जगह देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं लापरवाहियां होती नजर आ रही। अभी तक जो कि सवाल उठ रहा था प्लाज्मा और ऑक्सीजन की कमी को लेकर लोगों के मौत के आंकड़े बढ़ रहे थे, उन सब चीजों का विशेष ध्यान रखते हुए सरकार निर्देश देती नजर आ रही है, कहीं ना कहीं समीक्षा बैठक करती हुई नजर आ रही। लेकिन अब जिस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं एम्बुलेंस की भी सुविधाओं को लेकर अभी पूर्णता प्रश्न उठता हुआ नजर आ रहा है। एम्बुलेंस की व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से सुचारू नहीं है, कहीं ना कहीं अभी भी देखा जा रहा है कि संक्रमण के मरीजों को एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही, लोग अपने ही वाहन में, रिक्शा में, ऑटो में, इन सब चीजों के द्वारा व्यवस्था करके हॉस्पिटल तक किसी तरह पहुंच रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जब वहां पहुंचते हैं तो पूरी तरह से देखा जाता है तो बेड कहीं ना कहीं पूरी तरह से फुल नजर आ रहे हैं। तो जिस तरीके से हिमांशु जी अगर बात किया जाए तो इसमें कोरोना संक्रमण बड़ी ही तेजी की रफ्तार से फैलता हुआ नजर आ रहा है, उसके बावजूद जो मेडिकल संबंधी सुविधाएं हैं वो संबंधी सुविधाएं नहीं मिलती नजर आ रही। अगर बात करें तो काला बाजारी की, तो काला बाजारी बहुत ही चरम सीमा पर पहुंच गई है। जो कोरोना को लेकर रेमडेसिविर इंजेक्शन था, जिसको लेकर पूरी व्यवस्था के लिए सरकार पहले ही बोल चुकी थी कि किसी तरीके की कोई काला बाजारी ना हो, उसके बावजूद आपको बता दें कि ये इंजेक्शन बाजार में मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, इस भी काला बाजारी करते हुए नजर आ रहे हैं। ऑक्सीजन की पहले से ही दिक्कत थी, प्लाज्मा की पहले से ही दिक्कत थी, तो मेडिकल संबंधी अगर हम बात करते हैं तो अभी वो व्यवस्था नहीं मिल पा रही है जो व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए। सरकार कहीं ना कहीं लगातार व्यवस्थाओं की बात कर रही है, वादे कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, लेकिन वो हिमांशु जी वादे और दावे अभी पूर्णता ग्राउंड जीरो पर दिखते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो जिस तरीके से राजधानी लखनऊ की अगर हम बात करें तो अभी भी ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए प्लांट लगाए जा रहे हैं, अब तो बाहर से ऑक्सीजन मंगाई जा रही है ट्रेन के माध्यम से, तो अभी तक हालात नहीं सुधरे हैं, तो हालात कब तक सुधरने की उम्मीद जताई जा रही है, अधिकारी क्या कह रहे हैं? तरीके से कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की जब कमी देखी गई, उस कमी को लेकर समीक्षा बैठक की गई, उसके बाद निर्णय निकाला गया कि जो प्लांट है उन प्लांटों में पूरी तरह से ऑक्सीजन की पूर्ति की जाए, और यदि नहीं हो पाता है तो बाहर से मंगाया जाए, जिसके लिए कल रात में चारबाग पे जो है ऑक्सीजन पहुंच चुका है, आज सभी अस्पतालों में पहुंचने की पूर्ण उम्मीद है कि जिस तरीके से ऑक्सीजन की दिक्कत थी वो अब ऑक्सीजन की दिक्कत ना रहे। लेकिन अभी वर्तमान की स्थिति अगर हिमांशु जी हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं अभी भी दिक्कतें बनी हुई हैं, क्योंकि अभी पूरी तरह से ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाई। लेकिन हाँ, जब अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंचेगी तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से लोगों को आराम मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा, मरीजों को फिर से आराम के साथ साथ कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिलेगा कि लोग
जो मेडिकल संबंधी बातें थी वो सुचारू रूप से हो जाएंगी और लोगों को फायदा होता हुआ नजर आएगी। अगर हम बात सरकार की करते हैं तो सरकार का साफ कहना है कि हम पूर्णता पूरी तरह से लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं दे रहे हैं उन व्यवस्थाओं को देखते हुए जल्द से जल्द 30 अप्रैल तक कुछ ना कुछ इसमें कमी आती हुई नजर आएगी। जी मानसू जी, लेकिन परिस्थितियां फिलहाल के लिए सुधरी हुई नहीं है, तो ऐसे में जो अधिकारी हैं, अगर मान लीजिए किसी को जरूरत होती है और वो इमरजेंसी में मान लीजिए ऑक्सीजन की सप्लाई अगर नहीं हो पा रही उसके पास, तो फिर वो किससे संपर्क करे? कोई नंबर जारी किए गए हैं क्या? कोई एक ऐसी हेल्पलाइन जारी की गई है जिससे कि मदद मांगी जा सके और तत्काल रूप से अगर कोई परेशान है तो उसको मदद उपलब्ध हो सके? क्या कोई ऐसी व्यवस्था की गई है जय लखनऊ के अंदर, राजधानी के अंदर? मानसी जी, राजधानी लखनऊ की अगर हम बात करें तो सारे आला अधिकारी इस समय फोन उठा नहीं रहे हैं, लगातार फोन पर बात करने का अगर प्रयास किया जा रहा है तो आपको बताते कई ऐसी दिक्कतें देखने को मिल रही कि जब सरकारी आला अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को अपने वीडियो वायरल करने पड़ा है, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हाँ, सरकार ने एक हेल्पलाइन अवश्य प्रारंभ कर दी थी कि उस हेल्पलाइन पे दो लोगों की सुविधाएं रहेंगी कि सुबह से 2 बजे तक और 2 बजे से रात तक की व्यक्ति उस पर रहेंगे, लेकिन अगर उन हेल्पलाइन की हम बात करते हैं तो वह हेल्पलाइन पर कोई भी व्यवस्था नहीं मिल पा रही, ना ही हेल्पलाइन की व्यवस्था सुचारू रूप से है। केवल कहने को तो ये हो गया है कि हम लोगों ने हेल्पलाइन चालू कर दी है, लेकिन जिस तरीके से हेल्पलाइन की व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए, लगातार फोन रिसीव होना चाहिए और उनसे वार्तालाप करनी चाहिए, वार्तालाप करने के बाद कहीं ना कहीं जो परेशान लोग हैं उन लोगों की मदद करते हुए दिखना चाहिए, लेकिन वो हेल्पलाइन नंबर हो चाहे वो आला अधिकारी हो वो किसी तरीके से अभी जिस तरीके की सुनवाई होनी चाहिए वो सुनवाई देखते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो लगातार शिकायतों का दौर अभी भी चालू है और जो अभी तक, लेकिन एक ये दिक्कत थी हिमांशु जी कि जो लगातार जा रहे थे उनको भर्ती के लिए आज्ञा अनुमति पत्र चाहिए था सीएमओ का, उसको लेकर एक ये निर्णय ले लिया गया है यदि अगर कहीं पर बेड है और व्यवस्था है तो उस आज्ञा पालन की आवश्यकता नहीं होगी, आदमी अपने सुचारू रूप से कहीं ना कहीं भर्ती हो सकता है। लेकिन अगर हम सरकार की बात करें, सरकार बड़े बड़े वादे कर रहा है, निर्देश कर रहा है, समीक्षा बैठक कर रहा है, नए नए प्लान तैयार कर रहा है, उसके बाद आदेशित भी कर रहा है, लेकिन नीचे के जो आला अधिकारी हैं वो अभी पूर्णतः अपने कार्य में सुचारू रूप से नजर नहीं आ रहे हैं। जी मैम, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। जो है आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे ताज़ा अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन पिछले 24 घंटे के अंदर 195 लोगों की मौत हो जाना, 5000 से ज़्यादा लगातार मामलों का सामने आना, कहीं ना कहीं स्थिति गंभीर होती हुई नज़र आ रही है। और अगर स्थिति गंभीर हो रही है तो हम क्या कर सकते हैं? हम अपना बचाव कर सकते हैं, हम ऑक्सीजन का प्रोडक्शन तो नहीं कर सकते लेकिन मदद ज़रूर कर सकते हैं अगर आपको कहीं पर जानकारी मिलती है। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि अपने भरोसे रहिए और ऐसे में आपको अपने जो लोग हैं उनकी मदद करते रहना है, सामाजिक तौर पर इंसानियत को जिंदा रखना है।